Hello everyone, my name is Rishi Malik. I hope you all are doing very well in your life and welcome back to News of Today channel. Today I would like to discuss a new topic with all of you and the topic name is intraday trading. Most of you are doing intraday trading or trading in stocks at presently as per your risk profile. But today I would like to let you know that which are the things you have to consider before going for any trading stock or before going for any investment in mutual fund or in a ULIP policy. So I request you all of you that to please watch the entire video and like and subscribe News of Today channel for more updates related to mutual funds and ULIP policies. आज मैं आप सभी से बात करूंगा कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो या आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, आज तक ट्रेडिंग उसमें नहीं करी अपने रिस्क को देखते हुए, तो उस केस में क्या क्या चीजें हमें पहले कंसीडर करनी चाहिए या हमें क्या क्या चीजें जान लेनी चाहिए अगर हम एक ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर। क्योंकि क्या रहता है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि मार्केट जब डाउन गई और आपका पूरा का पूरा पैसा लॉस में कन्वर्ट भी हो गया। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आपको भी करनी चाहिए अगर आप ट्रेड करते हो या स्टॉक्स के अंदर डील करते हो। बात करता हूं आज अकॉर्डिंग टू इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप भी एक ट्रेडर हैं और हर एक दिन आप भी ट्रेडिंग करते हैं कुछ पैसा अर्न करने के लिए, तो उस केस में आपको भी ये सभी के सभी पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। तो पहला रहेगा आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आपने आज की डेट में एक स्टॉक लिया जिसकी आपने हाई क्वांटिटी ले ली, 500 स्टॉक आपके पास है या 1000 स्टॉक आपके पास है और स्टॉक का जो वैल्यू है वो सिर्फ सिर्फ 30 रुपीस का अभी के समय से है। तो आपने एक एवरेजली स्टॉप लॉस लगाया 24 या 25 रुपीस पे कि इनकेस इतना नेगेटिव आता है तो ऑटोमेटिकली ये सेल आउट हो जाए और जितना रिमेनिंग अमाउंट है वो आप अपने आप से इंट्राडे के अंदर किसी और स्टॉक के अंदर लगा सके उसी अमाउंट को कवर अप करने के लिए। तो पहला रहता है स्टॉप लॉस, जो आप सभी को कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर। सेकेंड रहता है आपका छोटा छोटा अमाउंट जो प्रॉफिट है उसको बुक करिए हर एक दिन। आप अपना पैसा लगाते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर और आप सोचते हैं कि एक ही दिन में हम सबसे ज्यादा वेल्थी बन जाएं और आपका लालच उतना ही बढ़ता जाता है जितना आपका स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। तो आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि एक माइंडसेट बना के रखिए, अगर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या 2000 का प्रॉफिट हो रहा है और आपका माइंडसेट वही है तो उस केस में उस प्रॉफिट को लेकर बुक कर दीजिए और उसको अपना पैसा वहां से निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करिए अगर आपको लगता है कि आज ये वाला स्टॉक भी ऊपर जा सकेगा। नहीं लगता है तो उस केस में यही अमाउंट कहीं और लगाइए, नेक्स्ट डे लगाइए, जिससे आपका ये अमाउंट जो प्रॉफिट है वो भी बुक हो जाए और जो आपकी बेसिक वैल्यू है वो भी आपको मिल जाए। तो सेकंड पॉइंट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कम अमाउंट के साथ ज्यादा लालच ना करते हुए प्रॉफिट लीजिए बेसिक वैल्यू को कवर करते हुए। थर्ड पॉइंट जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका कंपनी प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब आपको जानना है कि कंपनी क्या है, कहां पर पैसा लगा रही है एट प्रेजेंटली, उसी के साथ कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। अगर बायर्स ज्यादा हैं तो उस केस में स्टॉक का ऊपर जाने का एक मोमेंटम बन सकता है। इन केस अगर आपको लगता है कि हाँ आज की रेट में आपके एक्सपीरियंस के आधार पर ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा तो उस केस में आप उस स्टॉक में पैसा लगाइए और उसके आधार पर अपना प्रॉफिट लीजिए। बट पहले कंपनी का एनालिसिस पूरा कर लीजिए, उसके बाद ही एक इन्वेस्टमेंट या एक स्टॉक उस प्लान के अंदर खरीदें जिससे आपको प्रॉफिट हो सके। अब अगर हम बात करते हैं फोर्थ, अभी के समय पर जो चीज आपको कंसिडर करनी पड़ती है, एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम। आज की रेट में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सुबह अपना पैसा लगाते हैं और शाम को 3:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे देखते हैं कि क्या अभी के समय पर प्रॉफिट है, क्या अभी के समय पर लॉसेस है। बट ऐसे अगर आप ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर तो आपको लॉसेस बियर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप उस टाइम पे पैसे को नहीं निकाल रहे हो और ना डाल रहे हो। अगर आपने देखा है कि ये जो अभी के समय पर स्टॉक है वो डाउन जा चुका है बट इसके अंदर पोटेंशियल है वापस कवर अप करने के अंदर, क्योंकि मार्केट भी बढ़ रहा है और मार्केट के आधार पर ही ये फ्लक्चुएट किया है। अगर अब मार्केट पोटेंशियल पकड़ रहा है तो उस समय में अगर आपने डाउन प्राइस पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और 15 से 20 मिनट में ही अगर आपने उस अमाउंट को उस स्टॉक ने कवर अप कर लिया तो आप उसी समय पर अपना पैसा इंट्राडे के अंदर निकाल भी सकते हो। तो आप ऐसे अपनी स्ट्रेटजी को पकड़िए जिससे
एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम आप खुद से एग्जीक्यूट कर पाए, ये ना हो कि आपने पैसा लगा दिया, अब 2 बजे 3 बजे या 1 बजे देख रहे हो जब मार्केट पूरा डाउन जा चुका है। तो फंडामेंटली लॉजिक लगा के इन्वेस्टमेंट करिए स्टॉक्स के अंदर, जिससे आपको भी प्रॉफिट हो। फिफ्थ पॉइंट आपका रहेगा ओवरलोडिंग ऑफ स्टॉक्स, मतलब ये रहता है कि आप एक ही समय के अंदर 5 या 10 स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन केस मान लीजिए कि अगर मार्केट डाउन चलेगी उस दिन, तो उस केस में उन 10 के 10 स्टॉक्स के अंदर आपको लॉस रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंट्रा ट्रेडिंग के अंदर, तो उस केस में बेहतर ये है कि हम 2 से 3 क्वालिटी शेयर देखें कि जिनके अंदर आपको आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज और मार्केट के हिसाब से लगता है कि ये अप जाएंगे, उन्हीं में अपना पैसा लगाइए, उन्हीं में अपना स्टॉप लॉस भी रखिए कि जिससे आपको ज्यादा यूनिट एंड ज्यादा क्वांटिटी मिले उन स्टॉक्स की, रादर देन कि हम 5 से 10 स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा लगाएं। और उसी के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि इनकेस अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा भी रहे हो, तो एकदम से पैनिक मत हो जाओ कि अगर वो 2 रुपए या 3 रुपए नीचे चला गया। आपने कंपनी देखी है, आपने पूरी रिसर्च करी है अपनी तरफ से, और उसके बाद ही आपने क्वांटिटी खरीदी है स्टॉक की, तो बेहतर यह है कि आप उसको होल्ड करिए थोड़े समय तक के लिए। अगर इंट्राडे में आपको लगता है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग वो सेल आउट हो ही जाएगा। अगर इन केस नहीं भी होता, तो जैसे ही आपकी मार्केट क्लोज होती है, तो कंपनी किसी भी डीमैट अकाउंट कंपनी में अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है, तो वो ऑब्वियसली अपने आप ही उसको बंद कर देगी। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो नॉलेजेबल लगती है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि और वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों, हैव अ नाइस नाइट ऑल्सो।